हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच वर्सेस फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच के फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में देखा जाए तो आधे से ज्यादा का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। एक स्मार्ट वॉच आपको 1799 रुपए में मिलेगी, लेकिन वहीं पे दूसरी देखा जाए तो आपको 3499 रुपए में मिल रही। तो आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली, चाहे वो 1799 की हो या 3499 की हो, तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इसी टाइप के कंपैरिजन और अपडेट के कंटेंट लेके आते रहता हूं। आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्ट वॉच आपको रेक्टेंगुलर डायल शेप में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर नेविगेशन बटन को देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में आपको सर्कुलर नेविगेशन बटन दिया गया, जबकि फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में आपको फ्लैट टैप बटन जो है दिया गया, और इनके एजेस में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो देखने को मिल जाएगा। तो डिजाइन में देखा जाए तो कहीं कहीं फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच थोड़ी सी प्रीमियम देखने में लगने वाली। फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन यहां पे आपको 240x280 का दिया गया, और इसमें आपको 550 का नीट पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट जो है मिल रहा है। साथ ही साथ में 70% RGB कलर कोमेंट का भी सपोर्ट जो है दिया गया, और उसी के साथ साथ इसमें आपको 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का भी सपोर्ट जो है मिल रहा है। जबकि वहीं बात करें फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 1.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, और उसी के साथ साथ 368x448 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट जो है मिल रहा है। साथ ही साथ में इसमें भी आपको 550 का नीट पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट जो है मिल रहा है, और इसमें आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल रहा है। तो देखा जाए डिस्प्ले साइज और क्वालिटी में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए बेस्ट डिस्प्ले कौन सी है, तो वहां पे निकल कर आती है फायरबोल्ट हल्की, क्योंकि आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी 1.78 इंच की, साथ ही साथ में AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, और उसी के साथ साथ 368x448 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी दिया गया, जो कि काफी जबरदस्त निकल कर आ रहा है, और यहाँ पे 550 का नीट पिक ब्राइटनेस भी दिया गया। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होने वाली है फायरबोल्ट हल्की। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के कॉमन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट। तो इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टेक्ट सेव और कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बात करें इनके हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में आपको SpO2 का सपोर्ट मिल रहा है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप, और उसी के साथ साथ गूगल फिट और एप्पल हेल्थ का सपोर्ट जो है मिल रहा है। लेकिन फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में SpO2 का, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्रीथ स्ट्रेस, ये सब स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको गूगल फिट और एप्पल हेल्थ का ये दो फीचर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे यही फीचर इन्होंने कम कर दिया हल्क स्मार्ट वॉच में, बल्कि यही प्लस पॉइंट हो जाता है बोट स्टॉर्म काल में। और फ्रेंड्स, बात करें इनके स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो स्पोर्ट्स मोड में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में 100 स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले, काफी ज्यादा यहाँ पे दिए गए, जबकि बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में आपको मल्टीपल एक्टिव स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको 20 से 25 स्पोर्ट मोड सिर्फ देखने को मिलने वाले। फ्रेंड्स, बात करें इनके वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बोट स्टॉर्म काल में आपको IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है, जबकि फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी अदर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो 7 to 10 डेज का नॉर्मल बैकअप आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिल जाएगा, और ब्लूटूथ कॉलिंग को हैवी यूज करोगे तो 2 से 3 दिन का बैकअप मिल जाएगा। और अदर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा, यानी सोशल मीडिया से जो भी नोटिफिकेशन है अपनी वॉच पे ही देख सकोगे, साथ ही साथ में कैमरे को कंट्रोल कर लोगे और म्यूजिक को भी कंट्रोल कर लोगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए थोड़े से और डिफरेंस के बारे में, तो फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर का सपोर्ट मिल रहा है, इनबिल्ट गेम का सपोर्ट मिल रहा है, और इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी गूगल के साथ साथ सीरी जो आप इजीली एक्सेस कर सकते। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको हल्क स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएंगे, जबकि बोट स्टॉर्म काल स्मार्ट वॉच में यही फीचर आपको देखने को नहीं मिले। मे भी आपको चांस है कि वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन मेंशन नहीं किया है कंपनी ने कि आपको वॉइस असिस्टेंट मिले। बाकी इनबिल्ट कैलकुलेटर और इनबिल्ट गेम का सपोर्ट तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये दो एक्स्ट्रा फीचर आपको नहीं मिलेंगे, यही दो एक्स्ट्रा फीचर आपको हल्क स्मार्ट वॉच में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे प्राइस पॉइंट को डिस्कस किया जाए, तो बोट स्टॉर्म काल की स्पेशल लॉन्च डेट प्राइस होने वाली है 1799 रुपए, और ये आपको यानी कि 25 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा फ्लिपकार्ट पे, तब आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जबकि फायरबोल्ट हल्क स्मार्ट वॉच लॉन्च हो चुकी है आज फ्लिपकार्ट पे, तब आप इसको चेकआउट कर सकते हो, और इसकी स्पेशल लॉन्च डेट प्राइस होने वाली है 3499 रुपए, तो ये 3500 रुपए में मिल रहा है। तो अब देखा जाए कि आपके लिए कौन सा स्मार्ट वॉच बेस्ट होने वाली। तो अगर आप AMOLED डिस्प्ले चाहते हो, थोड़ी सी प्रीमियम लुक चाहते हो, आप बाय कर सकते हो फायरबोल्ट हल्क को, क्योंकि इसमें आपको AMOLED पैनल मिल रहा है,
1.78 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई, 368 इंटू 448 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल रहा है, 550 का नीट पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट मिल रहा है, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं और हेल्थ ट्रैकर भी अच्छा खासा मिल जा रहा है, और उसी के साथ साथ इनबिल्ट गेम, इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट और उसी के साथ साथ इनबिल्ट कैलकुलेटर सपोर्ट मिल रहा है। तो काफी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाए। स्ट्रॉन्ग काली स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की एचडी डिस्प्ले मिल रही, 550 का नीट पिक ब्राइटनेस दिया जाए, और इसमें बस एक्स्ट्रा फीचर ये मिल रहा है कि आपको गूगल फिट और एप्पल हेल्थ का सपोर्ट जो है मिल रहा है। तो देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों स्मार्ट वॉच अपनी जगह काफी ज्यादा बेस्ट स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। 1799 रुपए में जो बोर्ड मिल रहा है वो भी काफी अच्छा दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड 1799 रुपए में कोई खराब फीचर दे रहा है। ब्लूटूथ कॉलिंग मिल रहा है, साथ ही साथ में बड़ी डिस्प्ले मिल रही, तो 1799 रुपए में ये वर्थ है। लेकिन वहीं पे देखा जाए 3499 रुपए में हल्क स्मार्ट वॉच भी काफी ज्यादा वर्थ है। तो आप अपने बजट के हिसाब से इन दोनों स्मार्ट वॉच को परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फायरबोल्ट हल्क को परचेस कर लीजिएगा, और अगर आप नॉर्मल बजट पे परचेस करना चाहोगे तो आप बोट स्टॉम वॉच को भी परचेस कर सकते हो। दोनों में आपको लगभग लगभग सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। बाकी आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे हम लोग डिटेल में बातें कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि आपके लिए कौन सा स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तब, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी ने अनबॉक्सिंग टेक के साथ में, तब तक के लिए जय।